मंगल में बाबा जी ने कहे, ये बाबा सतगुरु श्री जनहार अग्रनाम लेके आए हैं। अग्रनाम के माध्यम से सतनाम बाबा ने क्या बनाया, सोचने मात्र से संत भाइयों सात श्रुति की उत्पत्ति। संत भाइयों, बाबा जी अग्रनाम के माध्यम से सोचने मात्र से सात श्रुति की उत्पत्ति हुआ। प्रथम श्रुति होता है अगम श्रुति, हाँ जी हाँ, दूसरा सदा श्रुति, तीसरा इच्छा श्रुति, चौथा शब्द श्रुति, पांचवा मूल श्रुति, छठवा निगम श्रुति और सातवा मुक्त श्रुति। इस तरह से बाबा जी ने सात श्रुति उत्पत्र किया। 88 लाख दीप का निर्माण किए, 756 लोक का निर्माण हुआ। तपो भूमि, डोंगरी, पहाड़, नदी, नाले, झील, पोखर इत्यादि को बाबा ने बनवाए। उसके बाद मेरे संत भाइयों, सोहंग श्रुति के माध्यम से मनवंतर का निर्माण किए बाबा जी ने। मनवंतर, मनवंतर में युग और युगांत बना, वर्ष और वर्षांत बने, पक्ष और विपक्ष बना। पक्ष विपक्ष में मेरे संत भाइयों सप्ताह का निर्माण हुए, सप्ताह में दिन और रात बना, और रात और दिन में चार घड़ी का रात, चार घड़ी का दिन बना, और उस घड़ी में बाबा जी ने पल और विपल को बनवाए। इस तरह से बाबा जी ने संपूर्ण मनवंतर का निर्माण किया। आप पूछ सकते मुझे, युग अभी ये चल रहा है, कौन सा युग है, कौन युग है, चलते ना? अभी जो चल रहा है, हम लोग जिस युग में जो जी रहे हैं, अभी हम लोग अभी साथ बैठे हैं, वो कौन सा युग है, कौन सा युग है? माता मन की ढाल में कोई आवाज नहीं आती, कौन युग है जी, कलयुग कि कालयुग? कलयुग। हाँ संत भाइयों, आज ये कलयुग है। कल यानी होता है मशीन, युग यानी होता है युग। आज के युग मशीनों का युग है, जिसे हम कलयुग कहते हैं। तो कलयुग कितने दिन के हैं? संत लोग हमारे ठहराए हैं कलयुग को 472,000 वर्ष जब बीतेंगे, हाँ, हाँ, हाँ। तो ये कलयुग का अंत होगा, होगा जी। आज हर काम मशीन से होता ही नहीं होता है। आज आपको रोज दाल को छूना पड़ता है क्या? चावल को रोज छूते हैं? नहीं। अरे बोलने वाला कुकर किसी के घर में नहीं होगा तो कोई परवाह नहीं, लेकिन सीटी देने वाले कुकर सबके घर में है कि नहीं है? दो सीटी भुनने के बाद आपको पता चल जाता है माताओं की भोजन बनकर तैयार हो गया। आज से 40 साल पहले की मैं बात बताऊं, मैं जब कक्षा 8वीं पढ़ता था उस समय
अमेरिका में धान काटने की मशीन है, लेकिन हमारे इधर के सयान लोग कोई विश्वास नहीं करता था कि धान मशीन कैसे काटेंगे। लेकिन आज हार्वेस्टर हर गांव में घूम रहा है, धान काट रहा है कि नहीं काट रहा है। तो आज कलयुग में माताओं हर काम मशीन से होता है, होता है। भोजन बनाने के बाद भी जब हमें भोजन करना होता है तो हाथ का उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ हाँ हाँ। क्षुधा शांत जब होता है जब अपने हाथ से भोजन करते हैं। करते हैं जी। पहले के लोगों में क्या था, पहले आकाशवाणी हुआ करता था। क्या? आकाशवाणी। आकाशवाणी हुआ करता था तो उस समय भी लोग तरंग गति धैर्य को एकत्र करने की क्षमता रखते थे। और आकाशवाणी जब होता था, किसी व्यक्ति से मिलना है आपको तो कब मिलेंगे, आकाशवाणी होता था कि दो दिन के बाद मिलेगा, तीन दिन के बाद मिलेगा। उनके दर्शन कब होंगे, तो दो दिन में मिलेंगे या एक दिन में मिल जाएगा या प्रातः काल आपको दर्शन हो जाएगा। लेकिन आज वो गति है क्या? नहीं। आज उससे ज्यादा गति हमारे पास इस कलयुग के लोगों के पास में है। आज तो हर लोगों के पास एक मोबाइल है कि नहीं है, और आज तो इंटरनेट की जमाना है। वो आकाशवाणी की तो बात छोड़, अभी घर बैठे बैठे हम जहां पर हैं पूरे अपने परिवार से बातचीत कर सकते हैं कि नहीं। इंटरनेट की जमाना होने के बाद जिस व्यक्ति से आप बात करना चाहोगे उसे प्रत्यक्ष आप देखकर बात करते हो। हाँ, करते हो कि नहीं करते? तो ये बाबा जी ने ऐसा कलयुग की रहस्य को उजागर किया है मेरे भक्त भाइयों। नीचे हो जा रहा है इसको। हाँ संत जना, सब कुछ होने के बाद भी जब भी हमें भोजन करना होता है, यंत्र बनने के बाद, मशीन बनने के बाद भी, तो हमें अपने हाथ का उपयोग करना पड़ता है। हाँ जी हाँ। दूसरा शब्द मुझे पूछ सकते हो, यह सब कुछ तो कलयुग के माध्यम से हो रहा है, हो रहा है, लेकिन यह कलयुग समाप्त कब होगा ये भी जानने की विषय है कि नहीं है? यह सदयुग का पदार्पण कब होगा ये भी जानने के विषय है। तो संत भाइयों, समाप्त हो गया जी, नहीं आया होगा। बाबा गुरु घासीदास जी कहे हैं एक कलयुग समाप्त कब होगा, जिस दिन हम बटन दबाएंगे ना भक्त भाइयों, और कहीं उस दिन हमारा कहीं पेट भर गया तो जानना उस दिन ये कलयुग समाप्त हो गया जी। क्योंकि ये कौन सा मनमंत्र जो चल रहा है अभी, अभी जो मनमंत्र चल रहा है वो व्यवस्था मनमंत्र है। व्यवस्था मंत्र में हर मानव की व्यवस्था किया जा रहा है कि किस मानव को किस श्रेणी में रखा जाए। इसके बाद जब सवर्णीय मनमंत्र होंगे तो ये जाति खत्म हो जाएगा मेरे भक्त भाइयों, और फिर सतयुग का आगमन हो जाएगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं। उसके बाद युग युगांत को बनाने के बाद बाबा जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना किया। रचना करे जी। ब्रह्मांड कैसे बनता है मैं आपको बता दूं सरलतम भाषा में। हाँ। पहले एक घर बना, दो चार दस बीस पच्चीस घर बनने के बाद एक मोहल्ला बनता है, बीस बाईस मोहल्ला के बनने के बाद एक ग्राम का निर्माण होता है, इसी तरह से दो तीन ग्राम मिलने के बाद एक ग्राम प्रधान बनता है, और 10-20 ग्राम प्रधान मिलने के बाद एक ब्लॉक का निर्माण होता है, 20-25 ब्लॉक बनने के बाद एक जिला का निर्माण होता है, और 20-30 जिला बनने के बाद एक प्रांत का निर्माण होता है, और इसी तरह से जब 50-60 जब प्रांत बन जाता है मेरे भक्त भाइयों तो एक देश का निर्माण होता है जी। और जब अनेकों देश अब एक साथ मिल जाता है तो विश्व का निर्माण होता है, और जब अनेकों विश्व जब एक साथ मिल जाता है तो ब्रह्मांड की रचना होता है, होता है। इस तरह से सतनाम बाबा ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। इसके बाद मेरे भक्त भाइयों, सतनाम बाबा ने दिन के लिए सूर्य को, रात्रि को, चंद्रमा को किस तरह से बताए हैं,
तीसरा मंगल, उसके बाद में आपकी कथा प्रसंग में जरूर आ जाऊंगा। हाँ चलो, हाय बोल गुरु सत्यनाम बाबा की जय हो। सत्यनाम बाबा तुर अमर है प्रकाश, रवि शशि दीप जल दिन समाए।
संत भाइयों अंतिम भजन में बाबा जी ने ये सचराचर के जीवों की रचना कैसे किया, कैसे करे जी। सत्य नाम बाबा तुर अमर है प्रकाश, रवि शशि दीप जले दिन। सतनाम बाबा की अमर प्रकाश है मेरे भक्त भाइयों। हाँ जी। और वो दिन और रात वो प्रकाश जलता ही है। अनंत प्रकृति बरसा वही मोती, अनंत नक्षत्र जला वही ज्योति। इस मृत लोक में कितने प्रकृति है मेरे भक्त भाइयों जानते हैं आप? 25 से 26वां अगर कोई प्रकृति है तो मुझे बता दो। यह मृत लोक में अभी तक 26वां प्रकृति नहीं बना, 25 प्रकृति का ही निर्माण हुआ है। अनंत नक्षत्र जलाव है ज्योति, कितने नक्षत्र है इस मृत लोक में? आज तक 27 नक्षत्र से अभी तक 28वां नक्षत्र नहीं बना। कितने ग्रह हैं? 15 ग्रह से 16वां ग्रह कभी जानकारी खगोल शास्त्र को नहीं हुआ है। खगोल शास्त्र प्रतिदिन अध्ययन करता है आकाशवाण आकाश की कि कितने ग्रह हैं, कितने तारा हैं, कितने नक्षत्र हैं, आज तक कोई जान नहीं पाया मेरे भक्त भाइयों। क्योंकि एक ही आकाश हो ऐसा बात नहीं, अनंत आकाश है। यहां पर अनंत ब्रह्मांड की बाबा जी ने रचना किया है, रचना किया जी। तो सभी प्रकाश को जान लेना संभव है क्या? नहीं है जी। तो संत भाइयों, बाबा जी ने अनंत नक्षत्र अनंत प्रकृति की बाबा जी ने रचना किया जिसे हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है। और दूसरा पंक्ति में बाबा जी कहे हैं, जल ला ढूंढत सात समुद्र समाए है, वही जल से जीवनी रमाए है। जल को ढूंढने मात्र से बाबा जी ने सातों समुद्र में समाहित हो गए मेरे हो गए जी। और जब सातों समुद्र में जब बाबा जी समाहित हुए तो उसी जल के माध्यम से संपूर्ण जीवों की रचना किया बाबा जी ने। मुझे ऐसा कोई जीव बता दो, ऐसा कोई प्राणी बता दो जो बिना जल के किसी का उत्पत्ति हो, जो जन्म ले लिया हो। संत भक्त भाइयों, बिना जल के इस संसार में किसी की उत्पत्ति नहीं है। हाँ जी हाँ। बाबा जी ने चार खंड की प्राणी की रचना किया, अंडस पिंडस उखमन और जलायन। बाबा जी ने चार खंड की जीवों की रचना किया बाबा ने। भक्त भाइयों, अंडस प्राणी किसे कहते हैं? अंडस प्राणी वो है जो प्राणी अंडे से जन्म लेता है और जिसमें पंख लगता हो, पंखधारी हो। जो अंडस प्राणी में जरूर पंख लगेंगे, अगर पहले नहीं लगा हो तो अंत में लगेंगे, लेकिन अंडस प्राणी में जरूर पंख लगेगा मेरे भक्त भाई। हाँ जी हाँ। दूसरा प्राणी होता है पिंडस प्राणी। पिंडस प्राणी उसे कहते हैं जो प्राणी माँ के गर्भ से अवतरण होता है, जो माँ के गर्भ से जो जन्म लेता है उसे पिंडस प्राणी कहते हैं। और तीसरा प्राणी होता है उखमज प्राणी, जो अपने आप जन्म लेता है। जैसे लकड़ियों का घून का खाना, गेहूं में कीटाणु का लगना, चावल में कीटाणुओं का लग जाना, कोई भेजा है क्या माताओं कि जाओ इनके घर के चावल को आप खा जाना? ऐसा है क्या? नहीं। लोहे के ऊपर जंक का लगना, ये क्या है? यही उखमज प्राणी है जो अपने आप उत्पन्न होता है। और तीसरा प्राणी होता है मेरे भक्त, चौथा प्राणी होता है जलायन। जलायन प्राणी मेरे संत भाइयों जो जड़ से उत्पन्न होता है, जैसे एक छोटे से पौधा से लेकर एक विशालतम वृक्ष, ये क्या है? यही जलायन प्राणी है। इसमें भी जीव है मात्र। आप पौधे को ये मत सोचो, पौधे को आप मत सोचो कि ये प्राणी वो भी भोजन करता है, वो भी श्वास लेता है, वो भी फलता है फूलता है, फलता है कि नहीं? चार खंड के प्राणियों में जो जलायन जो प्राणी है वो मात्र चल नहीं सकता, अपितु जिस तरह से आप जो कार्य करते हैं वो संपूर्ण वो कार्य करता है। हाँ जी हाँ। तो बाबा जी ने चार खंड की जीवों की रचना किया। हम लोग चार गुरु स्मरण करते हैं,
बाबा चार गुरु हो चारों दिशा अभी मैं अभी वर्णन करूंगा अभी सतनाम बाबा के आगमन में। तो संत भाइयों चार गुरु ने, चार गुरु कौन कौन से हैं? जैसे पक्षी गण है चार प्रकार, चार खंड की योनि बताया ना मैं, चार खंड के प्राणी बाबा जी ने रचना किया, अंडस प्राणी संपूर्ण पक्षी गण, पिंडस प्राणी संपूर्ण मानव, संपूर्ण जो जीव जगत में जो चार पग दो पग में जो चलने वाले, और उखमज प्राणी जो अपने आप उत्पन्न हो जाता है, और जड़ायन प्राणी जो जड़ से उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है जी। तो ये चारों की अलग अलग गुरु है। बताओ ये कौन सा प्राणी? अंडस प्राणी के गुरु, पक्षियों के गुरु कौन है मेरे भक्त भाई? कौन है जी, कौन है? कौन है पक्षियों का गुरु? जिसे हम लोग बार बार मंगल आरती में उसका स्मरण करते हैं, बार बार गुरु के स्थान पर उसकी जयकारा होता है। पक्षियों का गुरु होता है मेरे भक्त भाइयों हंस। हंस जो है संपूर्ण पक्षियों का गुरु है। हाँ जी हाँ। हंस का गुण होता है कि अगर दूध और जल को एक में रख दो तो हंस दूध को ग्रहण कर लेता है और जल को छोड़ देता है। इसलिए मेरे भक्त भाइयों संपूर्ण पक्षी गण का गुरु कौन है? हंस है। हाँ। और हम लोग बार बार इस मंगल भजन में उपयोग करते, अरे हंसा ये हंसली, ये बार बार हंसा का उपयोग होता है कि नहीं होता? दूसरा पिंडस प्राणी के गुरु कौन है जिसके आज हम नाम का स्मरण कर रहे हैं? ऐसे सदगुरु जो हैं संपूर्ण पिंडस प्राणी के गुरु कहलाए। और तीसरा मेरे भक्त भाइयों जलायन प्राणी का गुरु कौन है? जलायन प्राणी का गुरु होता है शीत। शीत जो होता है संपूर्ण जलायन प्राणी है, संपूर्ण उखमज प्राणी के गुरु कहलाता है। इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि भाइयों आप शांत बैठो, शांति बनाकर रहो, शांति वातावरण में रहो। बार बार हम इस मंगल भजन में, मंगल आरती में इसको उपयोग करते हैं। हाँ जी हाँ। ये तो उखमज प्राणी के गुरु शीत हुए। और चौथा मेरे संत भाइयों जड़ायन प्राणी, जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके गुरु कौन है? जिसका उपयोग हम लोग बार बार इस मंगल भजन में करते हैं, चौका आरती में करते हैं। तो जितने भी पेड़ पौधे उनकी गुरु होता है मेरे भक्त भाइयों चंदन। चंदन संपूर्ण वृक्षों के गुरु कहलाता है। इसलिए बार बार हम चंदन का उपयोग करते हैं, अपने मस्तक में लगाते हैं। संत भाइयों चंदन का महत्व क्या है? क्या है? जैसे ये वस्त्र को धोने के लिए, साफ करने के लिए हमें साबुन की आवश्यकता है, निर्मा की आवश्यकता है, इसलिए शरीर को पवित्र बनाने के लिए चंदन की आवश्यकता है। तो इस तरह से चार गुरु बाबा जी ने निर्माण किया सतनाम बाबा ने। हम इसलिए चारों गुरु का हम लोग वर्णन करते हैं। इसके पश्चात मेरे संत भाइयों बाबा जी ने क्या किया? एक पवन उंचास कहाए, सोघट स्वासा स्वास समाए, जास निवृत्त होत संसार, और रवि शशि दीप जले दिन भक्त भाइयों। हाँ, हाँ, बाबा जी को एक ही वायु को 49 प्रकार की बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ा? क्यों पड़ा जी? इसलिए मेरे भक्त भाइयों इस संसार में एक प्रकार की जीव है क्या? नहीं। एक चींटी है तो एक हाथी भी है, एक क्रीम है तो एक सर्प भी है। हाँ, हाँ, हाँ। एक सियार है तो एक शेर भी है। शेर भी है जी। आप आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ सकते हो क्या? लेकिन एक पक्षी गण जो है आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ जाता है। क्यों उड़ जाता है? क्योंकि उसके पास वायु कोष होता है। वायु कोष होने के कारण से वह पक्षी आकाश में उड़ जाता है, स्वतंत्र रूप से उड़ता है। लेकिन हम, आप उड़ सकते हैं क्या? नहीं। हम में वो सीमित वायु लेने का क्षमता है, इसलिए हम आकाश में नहीं उड़ सकते। हाँ जी हाँ। इसलिए बाबा ने 49 प्रकार की वायु बनाई, और जा से निवृत्त हो संसार। निवृत्त
और जब तक वायु आपके पास में है मेरे भक्त भाइयों, तब तक आपके शरीर को रखा जाएगा आपको सुरक्षित, यहाँ पर सुरक्षित हो, अन्यथा आपको निवृत्त कर दिया जाएगा, यहाँ से आपकी विदा हो जाएगा आपको रखने वाला कोई नहीं संसार। और अंत में बाबा कहे हैं, कहे सतगुरुदासी बाबा सुनो भाई संतो, कहे सतगुरु घासी बाबा सुनो भाई संतो, और सत्य समाये सर्वत्र समा, सिद्धि पे जल दिन बाबा घासीदास जी कहे संत जनो, ये सत्य जो है सर्वत्र संसार में एक समान समाहित है, और ना कहीं कम है ना कहीं ज्यादा है, सर्वत्र संसार में सत्य जो है संपूर्ण जगत में समाहित है मेरे संत भाइयों। ऐसे बाबा गुरु घासीदास जो है संसार में संतों को ज्ञान लिखा कर समझाए हैं, और इस तरह से हम लोग मने संक्षिप्त में श्रेष्ठ विस्तार की कहानी हम लोग सतनाम धर्म के आधार पर इस तरह से बताते हैं। बोल सतनाम बाबा की जय हो। अब जल्दी भजन में आ जाए, क्योंकि आप लोग भी कहां कहां मने चौ मने श्रेष्ठ विस्तार की कहानी बता रहे हैं, ये भाव नहीं आना चाहिए। हाँ जी हाँ। और आज तक इस अनंता के चरित्र को किसी ने भी गायन नहीं कर सका, नहीं कर सका जी। शेष शारदा इसे अगम अगम कहके कहे के पुकारे हैं, वेद शास्त्र से नेति नेति कहके गाए हैं जी। तो भला मानो में ऐसा क्या हस्ती हाँ। जो इस अनंता सतगुरु के चरित्र का कोई गुणगान कर सके, कर सके। परंतु संत भाइयों हाँ। मैं जो कुछ अपने साधु गुरुओं के मुखारविंद से सुना हूँ, उन सुने हुए शब्द को मैं आप लोगों के समक्ष रखूंगा। हो सकता है मुझे कोई कथा कहते भूल हो जाए या शब्द से अशब्द निकले, इसलिए मैं सभी संतों से निवेदन करता हूँ कि वे मुझे सब अपने पुत्र जानकर क्षमा करेंगे। बोल सतनाम बाबा की जय हो। ये आओ साहेब बैठो गदिया महो बाबा, आओ साहेब बैठो गदिया महो, हो बाबा सत्य।
संत भाइयों, बाबा गुरु घासीदास जी क्या कहे हैं, संत भाइयों जब तक बाबा जी का गुणगान होता रहे, उनके चरित्र का गुण व्याख्यान होता रहे, तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, जागते रहना होगा। बाबा गुरु घासीदास जी जागृति मंगल में कहे मेरे भक्त भाइयों, क्या आए जागे रही हो जी कायागढ़ के मुसाफिर, जागे रही होगा कायागढ़ के ए भाई, जागे रही होगा Thank you.
संतो भाई सन